जय हिंद साथियों। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएसएफ में हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं, तो साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन की वीडियो मैंने पहले भी बना दी है, दो बार मैंने बना दी है और अब भी आपको बता रहा हूं, अगर आपने इसका ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बीएसएफ में ऑनलाइन आवेदन जरूर कीजिएगा। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊँगा कि इसका ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या गलतियां आपको वहां पर नहीं करनी है। तो ये वीडियो आज आप बहुत ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक भी गलती आपका फॉर्म रद्द करवा सकती है और आपका फिर एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप इस भर्ती को नहीं देख पाएंगे। तो इस वीडियो को आप एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं अपने सीधे पॉइंट पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब इसका आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाने जाओगे साइबर कैफ़े की दुकान पर, तो वहाँ पर आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो वहाँ पर सबसे पहले आपको मार्कशीट लेकर जानी है 10th और 12th की, 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपको लेकर जानी है, दो फोटो आपके पास होने चाहिए और दो फोटो के साथ साथ सिग्नेचर भी वहाँ पर आपके पास होने चाहिए, सिग्नेचर आपके वहाँ पर लगे जाते हैं। तो इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए और इसके साथ ही आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं और अगर आपको कास्ट की जो है आपको बेनिफिट लेना है, कास्ट का बेनिफिट लेना है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर लेकर जाना होगा, अगर फॉर्म में लगा हुआ है तो। अगर फॉर्म में नहीं लगा तो वहाँ पर आपको कोई भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, इसके ऑनलाइन फॉर्म में केवल यही डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, इन डॉक्यूमेंट को लेकर आप चले जाना और इसका फॉर्म भरवा देना। अब बात करते हैं फॉर्म भरने में क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहली गलती मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको जो है अपनी ईमेल आईडी है वो अपनी सही ईमेल आईडी फिल करवानी है, जो बंद पड़ चुकी है, कहीं पर भी ओपन नहीं होती, ऐसी ईमेल आईडी आप बिल्कुल भी मत भरवाना। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं बनी हुई है तो ईमेल आईडी आप नई ईमेल आईडी बनवाकर तभी उसको वहाँ पर लगवाना, वरना आपका जो एडमिट कार्ड है, आपकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपके पास नहीं पहुँच पाएंगी। तो सबसे पहली गलती तो यही है, ईमेल आईडी सही भरवाना। दूसरा, आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर डालते समय बिल्कुल ध्यान रखना, एक भी संख्या गलत नहीं होनी चाहिए, एक भी डिजिट गलत हो जाती है तो वहाँ पर बहुत ही दिक्कत आपको वहाँ पर फिजिकल में होती है, फिर आप फिजिकल इसका नहीं दे सकते। तो आधार कार्ड की डिटेल आपको बिल्कुल सही फिल करवानी है। अब आते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नेम और मदर नेम, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म में फिल करवानी है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मान्य वही होती है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में होती है। आधार कार्ड वाली तो एक बार को चल जाती है गलत है तो, लेकिन जो मार्कशीट में लिखी हुई है वही आपकी वैलिड रहेगी। इसलिए साथियों, अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पर फिल करवानी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। जब आप इसका फॉर्म फिल करवाते हो तो वहाँ पर एक पासवर्ड जनरेट करना होता है, वो पासवर्ड साइबर कैफे वाला ही जनरेट करता है। तो जब आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो जाएगा तो उस पासवर्ड को आपको अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, जो फॉर्म है, उसके ऊपर लिखवा लेना है, ताकि जब इसका एडमिट कार्ड आए तो आपको वो याद रहे पासवर्ड, क्या पासवर्ड साइबर कैफे वाले ने बनवाया था। इसलिए आप उसको अपने फॉर्म के ऊपर लिखवा लेना पासवर्ड को साइबर कैफे वाले से, फिर बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप खुद ही अपना एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। तो साथियों, ये गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपना फॉर्म फिल करवाते समय बिल्कुल ध्यान रखना है, एक गलती आपका फॉर्म रद्द करवा सकती है। और साथियों, इस भर्ती से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी हम अपने चैनल पर बिल्कुल सही समय पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, इसलिए आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और डिफेंस से जुड़ी सभी जानकारियां हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपका कोई सवाल या डाउट है तो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।